हम बताएंगे जो जेसीबी और एक्सीवेटर का वेतन कितना होना चाहिए, और जो ये वीडियो है सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, जिनका आईटी कार्ड बना है या नहीं बना है सीधा आपसे जुड़ा हुआ है वीडियो, और जो सैलरी कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम आगे पूरा बताएंगे विस्तार से। और हम ये अपना मन से नहीं बताएंगे, जो सरकारी आंकड़ा है, जो सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया है 2021 अक्टूबर में कि जेसीबी ऑपरेटर का सैलरी कितना होना चाहिए, एक मिनिमम सैलरी, एक समान सैलरी, और जो एक्सीवेटर ऑपरेटर, जो पोकलेन ऑपरेटर जिसको बोला जाता है, उसका सैलरी कितना होना चाहिए। दरअसल पूरा इंडिया में दोस्तों वेतन जो है सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, आपके घर परिवार पूरा वेतन से चलता है। आप जो स्कूल में फीस जमा करते हैं, आपका जो पैसा से आपका जो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतना महंगाई बढ़ चुका है। अभी आप लोग देख रहे हैं, आपके बगल में कोई ऑपरेटर 10,000 में 12,000 में काम करता होगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो एकता नहीं है। एकता बहुत जरूरी है ऑपरेटर भाइयों में। एकता नहीं रहेगा तो शोषण और अत्याचार होते ही रहेगा। आज उन पर होगा तो कल आप पर होगा, कल हम पर होगा। जो संस्था अभी बनाया गया है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, इससे जरूर जुड़े। इससे जुड़ने से यही आपको लाभ है कि अगर आपका इससे जुड़ने के लिए आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का। ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का आईडी कार्ड बनवाने से क्या लाभ है? अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, अगर आपका सपोज आपका मालिक या कंपनी आपका वेतन नहीं दे रही है, तो आप अकेले क्या कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। इसलिए एकजुट होना पड़ेगा, एकता बनाना पड़ेगा, एक दूसरे को जलन नहीं करना पड़ेगा, एक दूसरे का कमियां नहीं गिनाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर बहुत सारे हैं, एक दूसरे की कमियां मालिक के पास प्रमोट करते हैं। ये उनको मशीन चलाने नहीं आ रहा है, तुमको बकेट स्विंग करने नहीं आ रहा है, मशीन स्विंग करने नहीं आ रहा है, बहुत सारी कमियां गिनाते हैं। क्यों? तो हम उनके सामने एक ऊपर बने, एकदम फेवर में रहे मालिक से। तो ये गलत फहमी है। एक कहावत है बिहार में, लोहार के आगे और घोड़ा के पीछे कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। इसलिए मालिक जब तक है जब तक है आपका, आपका मालिक कभी भी आपको निकाल सकता है। आपका परिवार नहीं है वो, लेकिन एक मालिक और एक जो नौकर है उनमें रिश्ता अच्छा होना चाहिए। और जहां पर दो तीन चार ऑपरेटर काम करें, एक ना एक किसी में कमियां जरूर है। आप में जो कमियां है मैं उसमें नहीं होगा, वो कमियां जो आप में नहीं होगा, एक सोचने वाला बात है। और एक साथ चले ताकि जो समान वेतन है, जो सरकार ने आदेश जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑपरेटर, देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है, ठीक है। ये हम आप लोग को बताएंगे, जेसीबी का पहले बता देंगे कि जेसीबी का वेतन कितना होना चाहिए दरअसल। और इसमें दो भाग में वेतन किया गया है, एक जो ज्यादा सीनियर नहीं है, जो अभी नए नए सीखे हैं और उनको टैलेंट है, ये नहीं कि आप 3 महीना में सीख कर आप इतना पेमेंट कमा सकते हैं। कम से कम आप लोग 1-1.5 साल जरूर हेल्पर करें, जो भी अगर मैं हेल्पर वीडियो देख रहे हैं, और जो ऑपरेटर ये इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना हेल्पर को इस वीडियो को जरूर दिखाए। और कोई भी ऑपरेटर कोई भी हेल्पर को 3 महीना में 6 महीना में मत सिखाए, कम से कम उसको 1 साल जरूर रखिए। अभी इतना भारत में बेरोजगारी आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेटर बेरोजगार घर पर बैठे हैं। तो क्यों? इसका कारण कहीं ना कहीं ऑपरेटर भी है, केवल मालिक और कंपनी नहीं है, अनासकार है इसका कमी, कहीं ना कहीं कमियां ऑपरेटर में भी है, ये समझना जरूरी है। अभी देखिए हम बात करते हैं जेसीबी ऑपरेटर का। जो जेसीबी ऑपरेटर हैं उनका वेतन होना चाहिए 1 दिन का 654 रुपया।
654 एक दिन का सैलरी होना चाहिए। इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 654 का 30 से आप गुना कर सकते हैं 19,620 रुपये। एक दिन का एक महीना का सैलरी 19,620 रुपये होना चाहिए। और इसमें खाना भी होना चाहिए, 3 टाइम खाना और रहने का व्यवस्था होना चाहिए। और जो सीनियर ऑपरेटर हैं, जो 10 साल हो गया, 12 साल हो गए, 8 साल से ऊपर हैं, इनका वेतन होना चाहिए लगभग एक दिन का 762 रुपया, लगभग आपका हो गया 22,860 रुपया। जिनके पास हेवी लाइसेंस है और हेवी लाइसेंस में भी एक्सपीरियंस है, टैलेंट होना चाहिए उनके पास, कोई मेंटेनेंस जाने उनके पास। यहाँ पर साफ साफ जो लिखा है हाई सिल्क, ठीक है। और ये तो क्लियर हो गया जेसीबी का। अब चलिए हम एक्सीवेटर का बात करते हैं, एक्सीवेटर ऑपरेटर का वेतन कितना होना चाहिए। ये मन में सबका सवाल चल रहा है कि अभी सबसे ज्यादा एक्सीवेटर का सैलरी को लेकर हर जगह चल रहा है। अभी जो सैलरी हमारे पास डेली 50 कॉल आता है, 100 कॉल आता है, तो हम सबसे पूछते हैं कि आपका सैलरी कितना है, तो 17,000, 18,000, 19,000, कोई किसी का 20,000, किसी का 22,000। मैंने 100 ऑपरेटर में से 2 ऑपरेटर बोलते हैं कि मेरा सैलरी 20,000 से ऊपर है, बाकी सब कोई बोलते हैं कि मेरा सैलरी 17,000 है, 18,000 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक्सीवेटर ऑपरेटर का सैलरी कितना होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा। और आगे हम ये भी बताएंगे कि जो ग्रेडर है इसका वेतन कितना होना चाहिए, जो मोबाइल क्रेन है उसका वेतन कितना होना चाहिए। नेक्स्ट लाइव में जो संडे को लाइव आ सकते हैं फेसबुक पर, उस लाइव में हम जरूर बताएंगे। और ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन फेसबुक पेज पर फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, कि आप लोग का साथ ही संस्था को आगे बढ़ाएगा। जब संस्था आगे बढ़ेगी तो ऑपरेटर भाइयों का परिवार और ऑपरेटर आगे बढ़ेंगे। ये सीधा वीडियो, जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। चलिए हम बताते हैं हाई सिल्क में आता है एक्सीवेटर। एक्सीवेटर का जो वेतन होना चाहिए 762 रुपया स्टार्टिंग पेमेंट। इनका एंडिंग पेमेंट था 762 रुपया, इनका स्टार्टिंग पेमेंट है 762 रुपया। 762 रुपया खाना रूम सब चाहिए। इस 762 रुपया का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 22,860 रुपया हो जाएगा। 22,860 रुपये से नीचे में कोई अभी ऑपरेटर काम ना करे, अगर वो सीनियर ऑपरेटर को नहीं बोले, केवल जो नए नए ऑपरेटर हैं जो 4-5 साल चला रहे हैं, 6 साल से, उनके लिए 22,860 रुपये। इसके देखिए, ये जो संस्था ने पेमेंट तय कर रहा है और जो सरकार ने बताया है, ये एक मिनिमम पेमेंट है, इससे नीचे किसी को काम नहीं करना है। और जो आप जिनके पास एक्सपीरियंस है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 8 साल से ऊपर है, उनका वेतन होना चाहिए 851 रुपया। ये 851 रुपया कितना हो गया, 25,530 रुपया। 851 रुपया बोले तो 851, इसका टोटल पेमेंट हो गया 25,530 रुपीस वेतन होना चाहिए। खाना रूम फ्री होना चाहिए, बता दिए। और आप लोग वीडियो के माध्यम से शेयर करिएगा और ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन में फॉलो कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपका सब मन में सवाल है तो कमेंट जरूर करिए। अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8092234004, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आईडी कार्ड जरूर बनवाइए, आईडी कार्ड का जो फीस है 500 रुपया है, और आईडी कार्ड का जो फीस रखा गया है ये संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आपसे डोनेशन मांगा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।